तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं भी विषम शर्मा फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में, और द फैमिली हेल्पर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। और अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12, और सेक्टर 12 में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो लैंड खाली दिख रही है, आप देख रहे हैं ना, ये 100 मीटर चौड़ी आपकी ग्रीन बेल्ट रहने वाली है। और ये चीज़ें आपको मिल सकती है तो वो मिल सकती है सिर्फ आपके अथॉरिटी के प्लॉट के अंदर। और आज जो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ ना सेक्टर 12 की, वो स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ना क्वेश्चन आ जाते थे सेक्टर 12 के अंदर, वो आज की वीडियो में मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ। सेक्टर 12 के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं आज मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा, सेक्टर 12 के अंदर क्यों रेट महंगे हो रहे हैं और आज की डेट में क्या प्राइस चल रहा है सेक्टर 12 के अंदर, और अभी क्या क्या यूनिट आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो चलते हैं आज वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेक्टर 12 की कनेक्टिविटी आपको क्लियर करता हूँ। सेक्टर 12 जो पड़ता है आपका नियर राजेश पायलट चौक 130 मीटर रोड पे पड़ता है आपका। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कुछ फेमस एरिया होगी, जैसे अगर आपको यहाँ से जाना हो परी चौक, तो परी चौक जाने में यहाँ से आपके जो लगते हैं वो 15 से सिर्फ 20 मिनट यहाँ से आपके लगने वाले हैं। अगर बात करता हूँ मैं गौर सिटी चौक की, यहाँ पर आपको 14+ मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 5-स्टार होटल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसकी जो दूरी रहने वाली है वो यहाँ से आपकी सिर्फ मात्र 5 मिनट की आपकी दूरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंडिया के सबसे चौड़े हाईवे NH-24 की, तो वो भी यहाँ से आपका मात्र सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रहने वाला है, जहाँ से आप गाजियाबाद दिल्ली आसानी से आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्टर के अंदर आखिर इतने रेट बढ़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको इस सेक्टर की, तो इस सेक्टर के अंदर अगर आप विजिट करते हैं आज की डेट में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घर ऐसे मिलेंगे जो कि बन रहे हैं, और काफ़ी फैमिलियाँ तो यहाँ पर शिफ्ट भी होने लगी हैं, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कुछ ही ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर आप घर बना के रह सकते हैं, उनमें से सेक्टर 12 भी आता है। सेक्टर 12 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में प्लॉट साइज की, तो यहाँ पर जो प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाता है वो 60 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 120 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर तक के यहाँ पर आपको प्लॉट साइज देखने को मिलते हैं। इससे बड़े बड़े साइज के भी यहाँ पर आपके प्लॉट हैं, बट वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ज़्यादातर जो आता है ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कि भैया इस सेक्टर के अंदर ये साइज का प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की डेट में यहाँ पर जो प्लॉट है ना, आपको बहुत ही लिमिटेड प्लॉट ऑप्शन आपको मिलते हैं सेल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉपर्टी ना सेल आउट हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर रेट जो है ना आपके बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट के अंदर आप नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 2 BHK या 3 BHK फ्लैट लेना भी चाहते हैं ना, तो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक तो फ्लैट की कीमत ही यहाँ पर आती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर लोगों की जो डिमांड रहती है ना वो रहती है इंडिपेंडेंट हाउस की, क्योंकि आज की डेट में भी ना लोग अपने जड़ से मकान के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जड़ से मकान की ना कुछ बात ही अलग होती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस सेक्टर की फैसिलिटी की, तो इस सेक्टर के अंदर कम्युनिटी सेंटर, 100 मीटर की आपकी कमर्शियल बेल्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी रोड साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे जो छोटी रोड मिलती है वो 12 मीटर की मिलती है, उसके बाद आपकी 24 मीटर और 60 मीटर, और बाकी 130 मीटर का आपको वाइड रोड जिससे डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिलती है सेक्टर 12 की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर प्राइस की, तो आज की डेट में जो यहाँ पर प्राइस आता है ना वो आपका 60,000 रुपये मीटर से लेके 1,10,000 रुपये मीटर तक का यहाँ पर प्राइस आता है। वो डिपेंड करता है प्लॉट आपका छोटा साइज का है या बड़ा साइज का है, क्योंकि अगर आप छोटा प्लॉट लेते हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, और बड़ा प्लॉट लेते हैं तो उसका प्राइस आपको कम देना पड़ेगा। बाकी हर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल के लिए तो अवेलेबल नहीं होती, बाकी कोई भी अगर आपको साइज की प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके तो इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस साइज का प्लॉट अभी सेल के लिए अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ना आसपास एरिया में एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपको 15+ स्कूल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ, तो यहाँ पर नियर बाई आपको 1 से 1.5 किलोमीटर दायरे में हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपको नियर बाई आपको मिल जाती हैं, इसलिए इस सेक्टर के अंदर काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।